अहमदनगर जिले की शिवगांव तालुका से ही श्री क्षेत्र पैठड़ और पंढरपुर तक पालकी मार्ग मुंगी हाट गांव बोधे गांव और लाडाजल गांव क्षेत्रों से होकर सड़क गुजरता है और किसानों की भूमि अधिग्रहण के बिना ही प्रशासन और संबंधित ठेकेदारों ने किसानों की पिटाई करके सड़क का काम किया है। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण का भुगतान नहीं होने पर 26 जनवरी को वंचित बहुजन अघाड़ी और किसानों की ओर से चेतावनी दी जाएगी। वहीं वंचित बहुजन अघाड़ी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष प्रोफेसर किशन चौहान सर ने कहा है कि वे कलेक्टर कार्यालय के सामने आत्मदाह कर लेंगे। इसके अलावा बुधवार को शिवगांव गेवराई स्टेट रोड पर वंचित बहुजन अघाड़ी के कार्यकर्ता और किसानों ने सड़क पर जाम करके धरना प्रदर्शन किया और इस दौरान बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। अहमदनगर जिले के शिवगांव तालुके में बोधे गांव, इस गांव में हदगांव फाटे के ऊपर वंचित बहुजन आघाड़ी के महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष प्राध्यापक किशन चव्हाण सर इनके नेतृत्व में यहां के जो किसान है, किसान के ऊपर जो रास्ते के अंदर जो घपला हुआ है उसके खिलाफ यहां पर रास्ता रोको आंदोलन किया गया। इसके श्री क्षेत्र पैठण ते श्री क्षेत्र पंढरपूर हा जो पालखी महामार्ग आहे तो 2016 मध्ये देशाचे रस्ते विकास मंत्री माननीय नामदार नितीनजी गडकरी साहेब यांनी घोषित केला, रस्ता सुरू झाला। खरं म्हणजे हा रस्ता सुरू होत असताना या भागामध्ये जर तो महामार्ग असेल तर अगोदर शेतकऱ्यांच्या जमिनीचं भूसंपादन करणं, शेतकऱ्यांची जमीन अधिग्रहित करणं अपेक्षित आहे, परंतु तसं काही नाही। कुठलाही रस्ता होत असताना, कुठलाही प्रकल्प होत असताना